नमस्कार, क्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं जिले में कुछ गांव ऐसे हैं जिनके लिए यह बारिश आफत की बारिश बनकर गिर जाती है। इस गांव के दर्जनों घरों में बारिश का पानी घुसने भारी विकराल समस्या बनी हुई है। देखिए मुंगेली से ये खास रिपोर्ट। जिला मुख्यालय मुंगेली से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव है गुठेली, जहां बारिश होने से बारिश का पानी करीब दर्जनों घरों में इसलिए घुस जाता है कि यहां सड़क का निर्माण तो किया गया लेकिन नाली का निर्माण नहीं होने से, बारिश का पानी का निकासी नहीं होने से बारिश का पानी इन घरों में घुस जाता है। बरसात इनके लिए किसी परेशानियों का मौसम बनकर आता है। कई बार यह सरपंच व जिला प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है लेकिन स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। इस गांव के घरों में पानी भरने से ऐसा लगता है कि मानो नाली इनके घरों के अंदर से होकर गुजरा है, जिससे इनके घरों की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे इनका घर कोई स्विमिंग पूल है, घरों का बर्तन इस पानी में तैरते नजर आ जाएंगे। वहीं ऐसी स्थिति में घर में रहना, सोना, पीना, खाना सभी मुश्किल से गुजरता है। पीड़ित ग्रामीण बताते हैं कि गांव में सरपंच को कई बार कहने के बावजूद नाली का निर्माण का कार्य को अनदेखी किया जा रहा है, जिससे इस तरह की समस्या हर बरसात में उनको झेलनी पड़ती है। वहीं रहने, खाने पीने के साथ साथ बच्चों को रात्रि में कोई घटना का डर हमेशा सताते रहता है। जब भरे घर मन में पानी भरे भरे कैसे कर थो फिर? पानी फिर पानी आ जाते। अच्छा, कितना साल से समस्या बनी हुई है? 2-3 साल हो गए पानी नहीं आते। सरपंच ले बोला नहीं अपन? बोला था तब ध्यान दे देते, कैसे कर वो? बच्चे मन रह नहीं पाते और सांप बिच्छू निकल रहे पानी गिरते से। कितना साल से समस्या बनी भाई? 4 साल हो गए। सरपंच लोग नहीं बोले? सरपंच कुछ इतनी हमारे सपना भी समाज बनना कुछ करा नहीं पाते। वह नाली भी नहीं है, रोड भी बनाए हैं, सादा सीढ़ी बनाए हैं। ऐसा में क्या दिक्कत आते लड़का मन बस? पानी भर जाते भैया, रहे साधन नहीं। ये सीसी रोड बने भैया, तब से ये घर में पानी की निकासीकरण है, निकासीकरण के ये है ही नहीं है। पूरा पानी घर अंदर भरा थे और जब से नाली ऐसी ये बनी है, बस मतलब ऐसे रोड सीसी रोड, तब ले हमन पूरा परेशानी। हम लोग लेकर रहे जगह नहीं है, खाना बनाए जगह नहीं है, हम पानी में पूरा भींगे भींगे बैठे हैं सब कोई। 2-3 साल ले सरपंच ला कही चुके हैं, 3 साल हो गए बने सीसी रोड ला, और हम कलेक्टर यहाँ गए तो बोले भी रहे हैं कि सरपंच ला जैसे जैसे बात हमारे पानी घर में भर गए, आज तक हमारे घर में दुआरी देखे नहीं आए। 2 साल हो गए भैया ये पानी पूरा भरा। वहीं मामले की जानकारी जब हमारे संवाददाता के द्वारा जिला प्रशासन को दी गई, तब कलेक्टर साहब ने बताया कि बारिश के लिए तो पूरी तैयारी कर ली गई है, साथ ही घरों में पानी भरने की शिकायत शहरों में इसके लिए नगर पालिका द्वारा व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया है। पर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भरने की बात पर कलेक्टर साहब यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिए कि ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर ही अतिक्रमण किए रहते हैं, जिसकी वजह से बारिश का पानी उनके घरों में घुस जाता है। निकासी नहीं होने के कारण पानी घरों में घुसने की शिकायत आती है, तो वो ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम होता है, जैसे मुंगेली में, लोधरी में और नगरी निकाय एरिया में ये बातें आती हैं। उसको डेली टू डेली हम लोग नगरी निकाय से CMO से संपर्क करके उसका हल करवाते हैं। सर, कई गाँव में ऐसा पानी घुस रहे हैं, गाँव के लिए किसी तरीके की व्यवस्था? हाँ, जहाँ भी ड्रेनेज सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, अगर मैंने पानी निकासी के ऊपर मान लीजिए अतिक्रमण करते हैं या इस टाइप का चीज़ करते हैं, तो उसको हम लोग निकलवा रहे हैं ताकि पानी का आवा पानी का निकासी बना रहे और कोई जनहानि ना हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। अब साहब को कौन बताए कि आशंका जाहिर करने से किसी समस्या का निदान नहीं होता, धरातल स्तर में पहुंचकर मुआयना कर लिया जाए तो स्पष्ट हो कि ग्रामीण अतिक्रमण में रह रहे हैं कि नहीं। समस्या तो ऐसी है कि वाकई में इनके घरों में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। ज़रूरी है साहब इनकी समस्याओं को गहराई से समझें और इनका निदान करें, वरना कोई हादसे होने से जिम्मेदारी किसकी होगी। For more information, log on to www.clips.in.